हरिपर्वत चौराहे पर लॉकडाउन के दूसरे दिन एएसपी सौरभ दीक्षित और एसपी ट्रैफिक रोड पर हर आने जाने वाले वाहनों पर चल रहे लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जरूरी लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने शहर की जनता से अपील की कि कोरोना वायरस से बचना है तो घरों में रहना जरूरी है। सर, आज 21 दिन के दूसरे लॉकडाउन का दूसरा दिन है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने सभी पूरे देश का आह्वान किया कंप्लीट लॉकडाउन रखने का, उसी को इंश्योर कराने के लिए सभी राज्य सरकारें लगी हुई हैं और सरकारी प्रणाली पूरी इसी में लगी हुई है। हम लोग भी सड़कों पर आकर लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी ये कोरोना वायरस है, ये पुणे से या संक्रमित व्यक्तियों के आसपास रहने से फैलता है, आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं पहले पुनः अपील करना चाहूँगा सबसे कि अति आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकले। कोई गाड़ी अगर आपको चलते हुए सड़क पर दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक कोई ना कोई कारण लेके बाहर आ जाएंगे। प्लीज़ सब लोग घरों में ही बने रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें और पिछले दो दिनों से अभी बेहतर रिस्पॉन्स है थोड़ा आगरा लोगों में धीरे धीरे चेतना आ रही है कि उनको अकारण सड़कों पर निकलना, राशन और अन्य जरूरी सामानों के लिए लोग निकल भी रहे थे लेकिन इसका सिस्टम अब बना दिया गया है प्रशासन द्वारा और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक और हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।